फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन के लड्डू जो सारे बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत पसंद थे। जब मैं अपनी नानी मौसी वगैरह के रहने जाती थी तो लोग स्पेसिफिकली मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाते थे और मैं मज़े से खाती थी। आप लोग को बेसन के लड्डू पसंद है कि नहीं मुझे कॉमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर से बताइएगा। तो आज की रेसिपी जो है मैंने स्पेसिफिकली होली के लिए बनाई है। अब होली और दिवाली के बेसन के लड्डू में क्या फ़र्क है? जब हम इसे दिवाली के लिए बनाते हैं तो इसमें हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं या फिर तिल डालते हैं ताकि ये आगे आने वाली सर्दियों में खाए जा सके। और यहाँ पे जो बेसन के लड्डू मैंने बनाए हैं वो प्लेन बेसन के लड्डू हैं, साथ ही कम घी में बने हुए हैं। आज जो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ घी और चीनी और बेसन है जिससे आपके लड्डू जो हैं बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट के बनेंगे। तो आइए देखते हैं बेसन के लड्डू। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी बेसन के लड्डू। और इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। यहाँ पे मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट रहे इसलिए मैंने नया पैकेट लिया है घी का। यहाँ पे मैंने आधा पैकेट डाल दिया है यानी कि 500 ml घी डाल दिया है। और इसमें हम डाल रहे हैं 1 किलो बेसन। ये मोटा बेसन है। अगर आपके पास में जो बेसन है वो कई दिन से रखा हुआ है तो आप उसे छान भी सकते हैं। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और बेसन को भूनना शुरू करेंगे। यही लड्डू बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज़्यादा लेंथी स्टेप है। एक्चुअली इतने बेसन को भुनने में कम से कम 1 से 1.25 घंटा लग जाएगा यानी कि 60 मिनट से लेके 70-80 मिनट्स तक लग सकते हैं। हमें आंच को धीमा और मीडियम के बीच में रखना है, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भूनना है। तो अभी बेसन को हम धीरे धीरे चलाते हुए भून रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से सारे लम्स को हम तोड़ते रहेंगे। ये तकरीबन 20 मिनट बाद का फुटेज है तो आपको लगेगा भी नहीं कि अभी कुछ हुआ है। ये तकरीबन 40 मिनट बाद का है, बेसन का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है और इसके सारे लम्स जो हैं वो टूट गए हैं। बहुत ही अच्छे से चारों तरफ से बेसन भून रहा है, इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। और ये है आफ्टर 65 मिनट्स, बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और आप देख सकते हैं कि घी थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगा है। इसको हमें फ्लेम बंद करके भी 5 मिनट चलाते रहना है ताकि हमारा बेसन एक तरफ से जले नहीं। तो ये हमारा बेसन तैयार है। अब हम इलायची पाउडर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 7-8 इलायची ली है और उसको 2 चम्मच चीनी के साथ में पीस दिया है। ये ड्राई मिक्सर है, इसमें थोड़ी मोड़ी चीज़ें सूखे मसाले ये सब पीसने के काम आता है। आप चाहें तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं, पर जो फ्रेश इलायची पाउडर होता है इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये हमारा इलायची पाउडर तैयार है। अब इसको छान लेते हैं और डाल देते हैं गरम गरम बेसन के अंदर। इससे इलायची की खुशबू जो है वो पूरे बेसन में आ जाएगी। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बेसन भी अब हमारा थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगा है। याद रहे हमें इसमें चीनी जो है यानी बूरा या पिसी चीनी आप जो भी मिलाएं वो ठंडा होने के बाद ही मिलाना है। तकरीबन 1/2 घंटा हो चुका है और बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन इसको बिल्कुल ठंडा भी नहीं होने देना है, अदरवाइज लड्डू बनने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हमने बूरा मिला दिया है। बूरा हमने लिया है 1/2 किलो। आप चाहें तो थोड़ा कम ले सकते हैं, बट जो बेसन के लड्डू होते हैं वो मीठे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी तक हमने 1/2 किलो इसमें घी लिया है, 1/2 किलो बूरा लिया है और साथ ही हमने लिया है 1 किलो मोटा वाला बेसन। इसमें आपको कोई छींटे वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपली इसे इसी तरह से बना सकते हैं। अब बूरे को हम सारे बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें एक प्रॉपर हलवाइयों वाला कलर आ जाएगा। अगर आप इसे पीले रंग का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पीला रंग मिला सकते हैं, बट अदरवाइज ये देसी बेसन के लड्डू बिल्कुल ऐसे ही एकदम अपने ओरिजिनल कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। बूरे को हम हाथ से मिलाएंगे ताकि अगर बूरे में कोई भी लंप हो तो वो टूट जाए। आप चाहे तो छान भी सकते हैं। और अभी जो हमारा मिक्स है वो हल्का हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम सहता हुआ गर्म है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। हमें घी हमेशा बाद में ही ऐड करना चाहिए बांधने के लिए। अगर हम पहले ही बहुत ज़्यादा घी डाल देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लड्डू डिफॉर्म होने लगते हैं और गर्मी में तो खास करके वो पिघले चपटे चपटे लड्डू होने लगते हैं। बट इस ट्रिक के साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा बेसन वाला मिक्स और इसको मुट्ठी में अच्छे से दबाएंगे दूसरे हाथ से, जैसे कि मैं कर रही हूँ।
ये देखिए, और आप देखेंगे लड्डू बनने लगेंगे। जब लड्डू अपना शेप ले ले तो उसे हमें हथेली में इस तरह से घुमाना है। इससे होता क्या है, जो लड्डू के अंदर का घी होता है वो थोड़ा सा सरफेस पे आ जाता है और लड्डू ऊपर से देखने में बहुत ही चिकने चिकने बढ़िया बनते हैं। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाते समय अगर आपके पास में कोई कंपनी हो तो बहुत अच्छा रहता है, बातें करते हुए कब बच जाते हैं पता भी नहीं चलता। अदरवाइज़ तो शुरू में ऐसा लगता है अरे मटेरियल ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये देखिए हमारे लड्डू जो हैं बनके तैयार हो गए हैं सारे के सारे। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी है बट रिज़ल्ट वॉज ऑसम। ऊपर से सिर्फ फ़ोटो के लिए मैं इसमें ये पिस्ते वगैरह लगा रही हूँ। आप चाहें तो घी में डिप करके इनको चिपका सकते हैं, अदरवाइज़ ये बेसन के लड्डू ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। और हाँ, बनाएं तो फोटोग्राफ्स मेरे साथ फूड फॉर फूडी 6 पे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सो गाइस, आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। साथ ही मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंगल सिंगल रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वैसे थोड़ी दिनों में हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा टिफिन कंपाइलेशन आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग फूड फॉर फूडीज़। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। हम न्यू वीडियोज़ कब डालेंगे? न्यू वीडियो हम डालेंगे सैटरडे 12 PM। तो कुछ ना कुछ चैनल पे हलचल ज़रूर होगी, तो सैटरडे को 12 बजे ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आए तो आप सर्च कीजिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।